An inclined plane makes an angle of 30 degree with horizontal in uniform electric field E given. तो कह रहे इंक्लाइन प्लेन है, उसे 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, ठीक है मुझे दिख रहा है. आगे पार्टिकल जिसका मास 1 kg है एंड चार्ज गिवन है इज अलाउड टू स्लाइड. ऐसा लग रहा है लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया, एक पार्टिकल स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा. तो मास भी है और पार्टिकल पे चार्ज भी है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट की तरफ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको राइट की तरफ गिवन है. रेस्ट से ये पार्टिकल चलता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फ्रिक्शन भी आ गई. और क्या निकालना है, कितने समय में ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये क्वेश्चन है. बेसिक लॉजिक तो बड़ा सिंपल है इसमें कि पार्टिकल जब चलेगा और नीचे आएगा, उसने कहा कि 1 meter हाइट से चला, वर्टिकल हाइट 1 meter है, पर मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, मेरे को एस चाहिए. साइन 30 degree 1/s, एस की वैल्यू कितनी है 2 meter. तो पार्टिकल ने कितनी दूरी कवर की, 2 meter. ठीक है, तो पार्टिकल के लिए एस 2 meter, 0 half 80 square. टाइम आपको निकालना है, बस मुझे क्या बतानी है, एक्सेलरेशन. अगर मैं ए बता दूं मेरा आंसर आ जाएगा. एक्सेलरेशन बताने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, लॉज ऑफ मोशन. एक फोर्स तो वेट की वजह से बनेगी, कैसे, mg cos, mg sin. तो ये तो प्लस वन के अंदर किया था. दूसरी फोर्स फ्रिक्शन की होगी, फ्रिक्शन की फोर्स म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. दूसरा फैक्टर भी क्लियर है, mg के कॉम्पोनेंट्स mg cos, mg sin, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट है. तीसरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्यू ई, है ना. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो फोर्स भी राइट है. अगर ये 30 तो कॉरस्पॉन्डिंग से 30, क्यू ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, क्यू ई कॉस 30, क्यू ई साइन 30. ये पॉइंट भी क्लियर है, तो मैं रिपीट करता हूँ. पहली फोर्स वेट की एम जी कॉस, एम जी साइन, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यू ई कॉस, क्यू ई साइन. ठीक हो गया. अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन एन होगा एम जी कॉस 30 प्लस क्यू ई साइन 30, ये रहा. और एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे की फोर्स एम जी साइन 30 माइनस पीछे की दो फोर्सेस माइनस क्यू ई कॉस 30 माइनस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज एम इन टू ए. इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहां पे पुट कर दें, सारा कुछ आपको गिवन है, एम जी क्यू ई म्यू एम जी क्यू ई, आपको ए पता लग जाएगा. ए आ गया तो टाइम आ जाएगा. देखो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तो कम है, बट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे लॉज ऑफ मोशन के साथ उसने क्वेश्चन को मर्ज कर दिया. सारी फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन की हैं जो नॉर्मली हम फोर्स फ्रिक्शन में करते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दी, वो क्या है, क्यू ई. फिर उसने कहा लॉज ऑफ मोशन लगाओ. तो पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम को. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो